तो हेलो दोस्तों, आप सबके प्यार से हमारे आज हमारे चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। मुझे विश्वास भी नहीं हुआ कि मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। देख लो, सुबह सुबह टाइसन चल दिए हैं, पता नहीं कहाँ जा रहा है। देखो, गया और भागा। मैं आज से पहले कह रखा है जाता है और भागता है। अब देखो, इसे पकड़ के लाऊंगा। बताओ यार, सुबह सुबह मुझे अपने साथ बिना फालतू की डुला रहा है ये। देखता हूँ यार, ये तो बहुत दूर निकल गया। देखो, यहाँ पर आ चुका है अभी। आज बारिश का मौसम है, शायद बारिश पड़ सकती है। 50% है चांस या 50% नहीं भी है। देखो हमारी लोमड़ी कैसे देख रही है मुझे घूर घूर के। अब चल दिए घर को। अब पता नहीं है घर को जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। देखो, चला तो घर को ये, पर पता नहीं है जाएगा या नहीं जाएगा। इसके बाद चल लेते हैं अब घर को। देखो कैसे मटक मटक के जा रही है हमारी लोमड़ी। अब ये यहाँ पर गाय थी, इसे परेशान करके जाएगा। खाएगा तो नहीं, पर परेशान जरूर करेगा, अपनी दादा गर्दी जरूर दिखाएगा। आगे मिल जाते हैं हमें हमारे कालू भैया। कालू जो एक स्ट्रीट डॉग है, ये हमने बचपन से पाला था। इसका बहुत अच्छा फ्रेंड है टाइसन का। देखो कैसे आपस में खेल रहे हैं। उसके बाद चल देते हैं, कालू भी हमारे साथ जा रहा था। फिर देखो टाइसन उल्टा मुड़ गया, घर को जाने को तैयार ही नहीं है। फिर जा रहा है देखो अंदर को। अरे इसके मन में क्या है भाई, मतलब देखो। अब गाय को दोबारा परेशान करने के लिए चल दिया है। उसके बाद हम बड़े प्यार से इसको ले चलते हैं घर को। देखो फिर भी नहीं मान रहा है कि मैं घर जाने को तैयार हूँ, क्योंकि पापा चले गए हैं ऑफिस, तो उनके पीछे पीछे से भागना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनसे बहुत प्यार करता है। देखो अब चल दिए हम घर को, ये हमारा प्यारा सा घर है। चल दिए गाइस, अब मैं आज से बड़े व्लॉग बनाना चालू कर दिया हूँ, तो आप प्लीज़ मेरा साथ दें, आपका प्यार बना रहे। देखो लोमड़ी कैसे दुबक रही है पेड़ के पीछे। मतलब क्या है इसके मन में। देखो जाने को तैयार नहीं है। चल भाई चल, अंदर चला गया अभी ये। देखो अब गेट खोलूँ, दबाया, जब गेट खोलूँ जब ही जाएगा, अपना आपसे नहीं जा सकता। हर चीज़ के लिए मैं चाहिए उसे। चल दिए घर को, अब ये सीधा जाएगा अपने एसी वाले रूम में, उसके बिना तो इसका जी लग ही नहीं सकता। चल दिया देखो एसी वाले रूम में। यहाँ पर हमारी राजमाता कर रही है सफाई। देखो राजमाता की हथियार पड़ा है। फिर आगे देखो, टाइसन के लिए खाना लेकर आ गया हूँ, 7 रोटी और पेडिग्री। देखो टाइसन मजे से सो रहा है, अब इसको उठाऊंगा। अरे भाई उठ जा, खाना खा ले। कैसे नहीं खा रहा खाना, ये कह रहा है भाई अभी मन नहीं है मेरा यार, तो मुझे क्यों उठा रहा है, मुझे थोड़ी देर सोने दे। अरे मगा खड़ा हो, खाना नहीं खाएगा क्या। देखो खाना खाने के पूरे मन में ही नहीं है। देखो इधर खाना इसका, अब थोड़ी देर में इसे खाना देने जाता हूँ। उससे पहले पहुँच गया ये मोटे भाई के दौरे। मोटे भाई की और इसकी बड़ी अच्छी खासी कन्वर्सेशन चल रही थी, मैं बीच में पहुँच गया। देखो कैसे देख रहा है उसकी ओड को, डेंजरस फील ओनली। देखो अब आता हूँ, अब भी इसने खाना नहीं खाया है। अब मैं फिर जाऊँगा उनको उसको खाना को धरूँगा, पहले थोड़ी देर तंग करता हूँ। जाता हूँ, भाई तू खाना क्यों नहीं खा रहा है बता पहले, बताएगा। देखो ये मेरा मन नहीं है, तू मुझसे क्या लेता है। अरे कैसे कह रहा है मुझसे। उसके बाद टाइसन के नुकीले नुकीले दांत, 6-6 फुट लंबे, 10-10 फुट चौड़े, पूरा बन गया डायनासोर, है ना भाई। देख लो इसके डेंजरस दांत, टीथ। उसके बाद इसके लिए बड़े प्यार से खाना धर देता हूँ। पता नहीं, देखो पता नहीं इसकी कुछ दिक्कत है यार, आज ये कुछ खाना खा ही नहीं रहा है पता नहीं। देखो चलो खाने तो लगाए शायद, हाँ खा रहा है, अब ये खाता है। उसके बाद मेरे दोस्त का फ़ोन आया, आ भाई घूमने चलते हैं। ढंटन है, देख लो हमारी डिफेंडर, ये 3.5 करोड़ रुपए की आई थी। इसकी बुकिंग में हमको 2.5 करोड़ रुपए लगे थे। देख लो हमारी डिफेंडर है गाइस, देख लो डिफेंडर, इसमें बहुत अच्छी मॉडिफिकेशन करवा रखी हमने। उसके बाद घर आके देखता हूँ, टाइसन अकेले अकेले पानी पीने चला गया। देख लो कैसे जीभ निकाल निकाल के पानी पी रहा है ये। अरे शर्म है तुझको, तेरे लिए अंदर कटोरे में हमने पानी रख रखा है ग्लूकोन डी का, उसे पी ले जाके। देख लो मुझे देखे, देखो कैसे कर रहा है। शर्म वो क्या,
मुझे पहचानता ही ना हो, भोला बाबा बन गया भोला बाबा। उसके बाद चल दिए कमरे की तरफ को, देख लो मटक मटक के जा रहा है टाइसन, मतलब कुछ काम धंधा है नहीं, सारे दिन घूमना फिरना ही होता है तुझे। अभी आया और यहाँ पर चित्त हो गया, फैल जा भाई फैल जा, अच्छा हो गया चित्त। मैं बड़े प्यार से जाता हूँ ऊपर को तो देखता हूँ सामने सब पतंग उड़ा रहे हैं, तो यार हमारा मोटा भाई भी पतंग उड़ा रहा है। देखो जो आपको ग्रीन कलर की पन्नी की पतंग दिख रही है वो हमारे मोटा भाई की है, मोटा भाई ने 2 पतंग काट चुका है अब तक, वो भी एक रील से। इस पे मांझा नहीं है, क्यों भाई यार मांझा खतरनाक होता है, किसी की नाड़ वाड़ में कट गया तो उसको जान से मार देता है। तभी देखता हूँ हमारा टकला टीम का मेंबर पतंग लूट के लेकर आ गया, देख लो टकला टीम के मेंबर के कर्म पुण्य कर्म, भाग भाग कर पतंग लूट के ला रहा है, देख लो कैसे कर रहा है, मतलब मानेगा नहीं अपनी हरकतों से। टकला टीम का मेंबर ऐसे नहीं कहता मैं इसे, बहुत मक्का आ रहा है जी ये। उसके बाद टकला टीम का मेंबर पतंग दिखाने लगा, उसके बाद हमारे हो जाते हैं 2K। देखो गाइस हमने प्यारा सा केक अपने लिए ऑर्डर कर लिया है, अब इसको घर जाके कटिंग करनी है। देखो हमारे मोटा भाई भी साथ में आए हैं, ये हमारे पहले मोटा भाई हैं। उसके बाद देखता हूँ यार हमारे घर के साइड में बहुत बड़ा झुंड खड़ा है बिजारों का, गाय माता उसमें बिजार भी थे, देख लो कितने सारे हैं। मैं तो डर गया, फिर इनके लिए मैं वो लाता हूँ चारा, उसे घेर के अपने घर चला जाता हूँ। तो बाद में घर जाके केक कटिंग करते हैं, देखो हमारे टाइसन और हमारे टकला टीम का मेंबर, हम केक कटिंग करते हैं अपने आराम से, देख लो खिला। उसके खिलाने के बाद टाइसन रात को 2 बजे देखता हूँ गेट से बाहर खड़ा होकर देख रहा है सिक्योरिटी गार्ड की तरह कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। तो इसे कहता हूँ भाई तो चुप सो जा, जाके अपने AC में, हमें क्यों तंग कर रहा है बार बार भौंक।